3 माह से फरार इनामी सरपंच सचिव को नेपा नगर पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक ने 3,000 का इनाम घोषित किया था। बता दें कि एक आरोपी को नेपा नगर पुलिस द्वारा 22 नवंबर को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अन्य दो आरोपियों को पुलिस ने रविवार को धर दबोचा। तीनों आरोपियों पर शासकीय राशि के गबन के साथ साथ कूटरचित दस्तावेजों को प्रस्तुत कर गबन और अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। ग्राम पंचायत मांडवा के में संबल योजना के अंतर्गत सरपंच तुलसीराम अलावे, उप सरपंच संजय जाधव और सचिव सुनील पटेल पर 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। 10 अगस्त को 2023 में वो ग्राम पंचायत मांडवा में जो 8 हितग्राही थे जिनको संबल योजना के अंतर्गत अपात्र को पात्र बताकर ग्राम मांडवा के सरपंच तुलसीराम, सचिव सुनील और उप सरपंच संजय के द्वारा 16 लाख रुपए का इनको 2 लाख रुपए के हिसाब से अपात्र को पात्र घोषित करकर 16 लाख की राशि आवंटन कर दिया था, जिन पर जांच के दौरान सिरोही जनपद पंचायत के द्वारा 8 अगस्त 2023 को धारा 420 और अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया था, जिसमें उप सरपंच को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है और ये आज सरपंच तुलसीराम ग्राम पंचायत मांडवा के और सचिव सुनील पटेल को ही आज अपराध में गिरफ्तारी की।